हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। इसमें हम एक ऐसा प्रश्न पत्र लाए हैं जिसमें से लगभग आपका वार्षिक परीक्षा में 80% तक पेपर आपका बैठ जाएगा। मतलब आप इस पेपर को अगर पूरा हल कर लेते हैं तो लगभग 80% नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन को हल करने के बाद। तो पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा इसके अंदर आपको सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पेपर और उसका सॉल्यूशन पूरा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखाया जाएगा। पहले यहाँ पर ये एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 80% आपके कहीं नहीं जाएंगे, 80% नंबर का बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बैठ ही जाएगा। तो एमपी बोर्ड के लिए है ये। तो इसमें देखते हैं हम पूरा पेपर। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पेपर है, इस पेपर के क्वेश्चनों को आप यहाँ से नोट करते जाइए, उसके बाद फिर हम इसके आंसरों को नीचे देखेंगे। तो ये जैसे प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर रिक्त स्थान वाला, उसके बाद ये सही जोड़ी है उसकी सही जोड़ी में ये 6 सही जोड़ियाँ हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये एक वाक्य के उत्तर है यहाँ पे। तो आप पूरे पेपर को पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके हल को नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फिर सत्य असत्य, उसके बाद ये प्रश्न नंबर 6 से यहाँ प्रश्न उत्तर शुरू हुए हैं। तो ये 11 तक है इस पेज पे। फिर अगले पेज पे ये प्रश्न नंबर 12 से लगा के तो लगभग ये 18 प्रश्न तक है यहाँ। फिर 19वां, 20वां और 21वां और 22, 23 ये सारे। उसके बाद हम देखें अगर इसके हल को, तो यहाँ पे हल हमारे पास ये है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे अब हमारे पास लिखा हुआ है, इसके सारे आंसर हैं यहाँ पे हमारे पास। तो आप इन आंसरों को भी यहाँ से नोट करते जाइए फटाफट। तो वीडियो को रोक के आप सारे आंसर को नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था प्रश्न नंबर अब 3 है जो कि सही जोड़ी का था। तो यहाँ पे आपको सारी सही जोड़ी दी गई है। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 4 के यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं। तो ये प्रश्न नंबर 4 के उत्तर। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है जो सत्य असत्य का था, तो वो प्रश्न नंबर 5 के भी यहाँ पे उत्तर है। फिर इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 6 जो है उसका उत्तर है, जिसमें भक्ति काल की 2 विशेषताओं को बताना था। और उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में हमें 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी। तो तुलसीदास जी की 2 रचनाएँ और काव्यगत विशेषताएँ यहाँ पर ये। फिर प्रश्न नंबर 8 में का भी उत्तर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और फिर इसी के नीचे प्रश्न नंबर 9 जिसमें कि छंद की परिभाषा और उसके प्रकार बताने थे। और फिर अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 9 के बाद अब प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें आख्यानक गीतियाँ के बारे में हमें बताना था उदाहरण सहित। तो ये उसका उत्तर था। और फिर प्रश्न नंबर 11 में उपन्यासकार और उपन्यास के नाम बताने थे। तो प्रेमचंद है उपन्यासकार, गोदान और गबन उनके उपन्यास थे, और शिव पूजन सहाय दूसरे उपन्यासकार हैं जिनकी उपन्यास है देहाती दुनिया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी यहाँ पे हमारे पास है, जिसमें मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएँ बताई गई है। और फिर प्रश्न नंबर 15 का 13 का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में समास की परिभाषा और उसका उदाहरण देना था। तो दो या दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है, उसका उदाहरण है राजा का पुत्र, राजपुत्र। और फिर 15वें प्रश्न का यहाँ पे है आंसर इसके बाद। और उसके बाद प्रश्न नंबर 16 में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर लिखना था, तो ये अंतर है। और 17वें प्रश्न में लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है,
और उसके बाद 18वां प्रश्न का ये रहा उत्तर, तीन प्रश्न थे उसमें, तीनों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। और 19वें प्रश्न में ये पूरा एक लेख लिखा हुआ है, तो ये 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 में हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो ये उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यानी भावार्थ है, तो ये पूरा इसकी व्याख्या है यहाँ पे। फिर ये प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है यहाँ पे, इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी थी। और फिर एक एप्लीकेशन है प्रार्थना पत्र अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संदर्भ में, तो ये है उसका उत्तर। और उसके बाद सबसे लास्ट में है निबंध, तो निबंध नारी शक्ति का महत्व पे लिखा हुआ है ये पूरा, तो आप इसे भी पूरा नोट कर सकते हैं यहाँ से निबंध को। तो ये था पूरा निबंध। इस तरीके से हमने पूरा पेपर देखा है, एक मॉडल पेपर जिसमें से लगभग आपका एग्ज़ाम में वार्षिक परीक्षा में जो कि 18 फरवरी को होने वाली है उसमें आपका लगभग 80% इस पेपर में से बैठ सकता है, तो आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लें।